हेलो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू द ब्रांड वीडियो। माय नेम इज आदिल एंड आज का ये जो वीडियो ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग प्लस इन्फॉर्मेटिव है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग एक कंप्लीट जेन्युइन कस्टमर रिव्यू बात करने वाले हैं। MSI GF63 कम्स विद RTX 3050। दो साल मैंने इसे एकदम तगड़े टाइप से यूज करा, एकदम चुम्मी-चुम्मी टाइप से। मैंने इस पे स्ट्रीमिंग भी करी है, 4K स्ट्रीमिंग भी करी है, 2K स्ट्रीमिंग भी करी है। दो साल में जो मतलब सब कुछ हो सकता था मैंने इस लैपटॉप के साथ सब कुछ करा है, जो आप अपने स्क्रीन के पीछे ही देख सकते हो। जितना कुछ मैं एक्सपेरिमेंट कर सकता था मैंने सारा कुछ टेस्ट करके देख लिया। और प्लस दूसरी इंपॉर्टेंट वाली बात ये कि इसमें 8GB रैम आता प्लस 512GB का SSD आता, तो मैंने SSD प्लस रैम को भी अपग्रेड करके देखा कि कैसा परफॉर्मेंस बूस्ट मिला एंड अभी तक परफॉर्मेंस कैसा मिल रहा है। तो अगर आपका बजट 55,000 के अप्रॉक्स है और आप एक लैपटॉप लेने की सोच रहे हो जिसमें कि आपको एटलीस्ट 5 से 6 साल आपके फ्यूचर में जो भी काम है वो सारा कुछ वो लैपटॉप आपको करके दे, अच्छा परफॉर्मेंस दे, सबसे पहले बात वैल्यू फॉर मनी मिले, उसमें आपको कोई दिक्कत ना मिले, तो ऑब्वियसली बात मैं क्लियर कह सकता हूं कि MSI अभी डोमिनेट कर रहा है एंड स्पेशली MSI का GF63 जो कि i5 का 11th जनरेशन है, जिसके अंदर आपको RTX 3050 मिलता है, वो आपको 55,000 में वन ऑफ द बेस्ट वैल्यू प्रोडक्ट प्रोवाइड करता है। ऑब्वियस बात है इसके पीछे कोई भी डाउट नहीं है, क्योंकि इसका कॉन्फ़िगरेशन और जिस तरह का इसका प्राइसिंग आता है ये काफी ज्यादा लाजवाब है। मैं वीडियो के स्टार्टिंग में प्राइसिंग का क्लियर कर दूं एंड इसके लैपटॉप्स के बारे में कंप्लीट बता दूं। तो अगर आपका बजट 55,000 है और आपको चाहिए गेमिंग लैपटॉप, तो ऑब्वियस बात है MSI का ये जो GF63 है, i5 का 11th जनरेशन, RTX 3050 आराम से बिना कोई ऑफर के, बिना कोई दिक्कत का आपको इजीली मिल जाएगा। जिस समय अगर फ्लिपकार्ट पे स्पेशल ऑफर वगैरह रहे तो हो सकता है आपको ये 51 का या तो फिर 52 का भी मिल जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इंपॉर्टेंट वाली बात ये है ये आपको 55,000 में आराम से मिल जाएगा और आपको इतना ही में ही लेना है, इससे ज्यादा इसके लिए बिल्कुल भी पे नहीं करना है। दूसरी ध्यान देने वाली बात ये है इसका एक और वेरिएंट आता है जो कि आपका i7 का 11th जनरेशन कम्स विद RTX 3050। हो सकता है वो लैपटॉप भी आपको 55,000 में मिल जाए इंक्लूडिंग क्रेडिट कार्ड ऑफर, तो उस बार आप चेक कर लेना जिस समय भी आप ले रहे हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों फ्लिपकार्ट के बिग मिलियन डे सेल में i7 का 11th जनरेशन RTX 3050 55-56 का भी मिला है, तो हो सकता है आपको भी मिले अगर फ्लिपकार्ट पे वो ऑफर चल रहा है, तो होगा तो i7 वाले ले लेना। ऑब्वियस बात है i7 थोड़ा सा ज्यादा अच्छा है, अपना जो i5 है वो थोड़ा सा ज्यादा कम अच्छा है। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इसके छोटे मोटे कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात कर लेते हैं। और मैं वीडियो में स्टार्टिंग में बता दूं, मैं इसका ना ही कोई सिनेमैटिक दिखाऊंगा, ना ही मैं कोई लुक दिखाऊंगा, कोई मतलब नहीं। आप लोगों ने ऑलरेडी ऑनलाइन में जो देखा अब अच्छे से देख लिया क्या है नहीं है, और वीडियो में सिनेमैटिक देख के क्या ही लैपटॉप आप समझ जाओगे। अगर लुक है जो आपने ऑनलाइन देखा ऑब्वियस बात है वैसा ही लैपटॉप है, सारा कुछ मैंने इसमें कवर कर दिया तो उसी हिसाब से समझोगे, क्योंकि सिनेमैटिक आपने देख लिया मान के चलो आपके घर पे लैपटॉप आया आपको पसंद आया ही नहीं आया, तो ऑब्वियस बात है मेरे मतलब दिल से बात है समझ जाओ कि हाँ आदिल भाई ने बोल दिया सब कुछ सेटिस्फेक्शन मिल गया, हाँ भाई तगड़ा ठीक है, हाँ भाई लैपटॉप लेते, बाद में ये रिग्रेट ना हो कि हाँ भाई ये सिनेमैटिक में ऐसा दिखा था ऐसा लैपटॉप आ गया, वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियस बात है आप स्क्रीन पे जो देखोगे वो आपको रियल लाइफ में समझ में नहीं आएगा। सो बेसिकली इसके अभी दो वेरिएंट आते हैं RTX 3050 के साथ, जो कि अपना i7 का 11th जनरेशन, दूसरा अपना i5 का 11th जनरेशन। पहले अपना i10 आता था लेकिन उसके बाद ये अपग्रेड हो गया, i5 का 11th जनरेशन हो गया। बाकी ग्राफिक कार्ड की बात करें तो इसके अंदर आपका RTX 3050 है, लेकिन ध्यान देने वाली बात ये इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको 40W वाला ग्राफिक कार्ड मिलता है, जो इसका TGP है, मतलब ग्राफिक कार्ड का ताकत पावर जो है वो सिर्फ और सिर्फ 40W है। एंड यहाँ पे ये भी आप लोग ध्यान देना इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको सिंगल फैन मिलता है। बहुत सारे लोग सोचते हैं इसमें डबल फैन है, डुअल फैन नहीं, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको सिंगल फैन मिलता है। बट स्टिल सिंगल फैन रहने के बावजूद इसका जो मतलब ऑप्टिमाइजेशन है, इसका जिस तरह से ये लैपटॉप को ठंडा रखता है वो काफी ज्यादा मतलब चुम्मेश्वरी टाइप का है। इसमें आपको प्री इंस्टॉल सिर्फ और सिर्फ 8GB का रैम मिलेगा जो कि आपका 3200 MHz का, जिसमें कि आपको सिर्फ और सिर्फ 2933 MHz ही मिलेगा। और जहां तक रही बात SSD की, SSD आपको इसमें मिलेगा M.2 स्लॉट का SSD जो कि काफी ज्यादा सुपर फास्ट SSD है। अब इसमें अपग्रेड की स्टार्टिंग में बात करें, इसमें आप मैक्सिमम 64GB तक रैम अपग्रेड करा पाओगे, और SSD का रहा इसमें आपका जो M.2 स्लॉट ऑलरेडी लगा हुआ आता है, तो अगर आपको इसमें SSD अपग्रेड करना है तो आप 2.5mm फैक्टर वाला SSD इसमें इंस्टॉल कर पाओगे। M.2 ऑलरेडी लगा हुआ है, तो अगर आपको लगाना है उसे अपग्रेड करना है तो वो हटा के आप मतलब 1TB का लगा सकते हो, लेकिन मेरा रिकमेंडेशन यही है आप 2.5mm फैक्टर वाला SSD लेना, 2000 का आराम से मिलेगा, 500GB का मैंने भी लिया था, और वो SSD लगा लेना ऑब्वियस बात आराम से लग जाएगा। तो ये था अपग्रेड वाली बात। और आपके भाई ने अभी इसमें अपग्रेड कर लिया, 16GB रैम मैंने इसमें कर लिया और प्लस SSD भी मैंने इसमें 2.5mm फैक्टर वाला लगा लिया, टोटल अभी इसमें मेरे 16GB रैम है, दूसरा जो SSD है वो 1TB के अप्रोक्स है। सो बेसिकली यही कुछ मेन कॉन्फ़िगरेशन है लैपटॉप के बारे में जो कि हाईलाइटेड हार्डवेयर है। अब ये सब जो टेक्निकल बातें ये सब कुछ ध्यान से रखते, मेन चीज अगर आपको लैपटॉप लेना ना आप ध्यान से ये पार्ट देखना आप क्लियर समझ जाओगे। मैं इसके अब कंप्लीट 2 साल का जो भी मैंने इसको लैपटॉप को देखा जैसा समझा मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूं आप समझ जाओगे। अब देखिए 55,000 के बीच में मैं इस लैपटॉप को क्यों इतना रिकमेंड कर रहा हूं, इसका बहुत ज्यादा मेन रीजन है। इसका जो सबसे पहली बात RTX 3050 है जो कि 40W वाला है, जो कि ऑब्वियस बात है थोड़ा सा कम है, ऑब्वियस थोड़ा सा कम क्या बिल्कुल बात है कि हाँ भाई उतना परफॉर्मेंस नहीं दे पाता है, लेकिन यह बात आप लोग ध्यान दो मैंने इसमें GTA 5 खेला, मैंने इसमें कॉल ऑफ ड्यूटी खेले, मैंने इसमें वैलोरेंट खेला, सब कुछ मैंने हाई से हाई एंड मैंने सब कुछ ट्राई करे एंड मैं यकीन मानू मुझे कभी वो फील आया ही नहीं कि हाँ भाई इसके अंदर
40 वाट वाला ग्राफिक कार्ड है, क्योंकि इसने जो परफॉर्मेंस मुझे प्रोवाइड करी है 40 वाट वाला ग्राफिक कार्ड रहने के बावजूद, वो कतई मतलब चुम्बेश्वरी टाइप का लाजवाब, सही में बता रहे। मेरा एक्सपेक्टेशन बिल्कुल भी नहीं था कि मुझे इतना मिलेगा। जब मैंने इसे यूज करा एक दो महीना तक तो मुझे लगता था कि क्या मैंने ले लिया, लेकिन जैसा परफॉर्मेंस इसने प्रोवाइड करा प्लस इसके साथ जो कॉम्बिनेशन आता है 10500H का i5 का, वो कतई लाजवाब है। वैलोरेंट में मुझे, मैंने इसमें सेटिंग करके देखा, मुझे 250 से लेकर 300 FPS मिलते हैं। मैं ऑन स्ट्रीम मतलब इसमें सिंगल PC में लाइव स्ट्रीम करता हूँ, मतलब लैपटॉप से ही मैं गेम खेलता हूँ, लैपटॉप से ही मैं यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीम करता हूँ। और OBS की जो मेरी सेटिंग रहती है वो हाईएस्ट सेटिंग रहती है, जो सबसे टॉप नॉच सेटिंग रहती है 2K में मैं स्ट्रीम करता हूँ वैलोरेंट की, और प्लस मैं वैलोरेंट गेम भी खेलता हूँ, उसमें मुझे ऑन स्ट्रीम 200 FPS मिलते हैं, 200 से 250 FPS मिलते हैं, कभी 150 भी जाते हैं, और ऑफ स्ट्रीम तो मुझे 300 से 350 मिलते हैं। वो सेटिंग करनी पड़ेगी तब आपको आ जाएगा, उस पर वीडियोज मैंने डाल दी या तो फिर मैं जल्द डाल लूंगा। जहां तक बात रही GTA 5 की और भी अदर टिल्पर टाइटल गेम्स की जिसमें आप हाई एंड ग्राफिक्स यूज होते हैं, उन सभी में आपको चुम्बेश्वरी परफॉर्मेंस मिलेगा, क्योंकि ऑब्वियस बात आप इसमें स्ट्रीमिंग नहीं कर पाओगे। अगर आप हाई एंड ग्राफिक्स वाले गेम्स सोच रहे स्ट्रीम करना, स्पेशली गॉड ऑफ वार हो गया, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा ग्राफिक कार्ड का यूज होता है, क्योंकि जो आपका OBS ही रहता वही आपका 50 से 80% पूरा मतलब जो लैपटॉप का कॉन्फ़िगरेशन वो यूज कर लेता, तो आपका गेम चल ही नहीं पाता अच्छे से। अगर गेम चलता है तो आपका स्ट्रीम पूरा बर्बाद हो जाता है। लेकिन अगर आप स्ट्रीम नहीं करते हो तो जिसमें हाई एंड ग्राफिक्स यूज होते हैं वो आप चुम्बेश्वरी टाइप से बिना कोई दिक्कत के आराम से खेल पाओगे। सारे गेम अभी तक जो भी अवेलेबल है बिना कोई दिक्कत अच्छे ठीक ठाक परफॉर्मेंस में आपको मिल जाती है। अब यहाँ पे ये जो लैपटॉप है बहुत सारे ऐसे लोग भी स्टूडेंट लेते हैं जो कि कॉलेज में है, स्पेशली इंजीनियरिंग कर रहे हैं, वो कोडिंग के लिए लेते हैं। अब बोलते हैं आदिल भाई कोडिंग के लिए इस लैपटॉप को लेके लेंगे। अब देखो मैं क्लियर बात बता दूं, मैं खुद अभी लास्ट ईयर का स्टूडेंट कोडिंग का, इसमें आप कोडिंग के हर चीज कर पाओगे एंड मतलब क्या नहीं कर पाओगे भाई। अगर आप i3 का भी लैपटॉप लोगे उसमें भी आप सब कुछ सारा कुछ कर पाओगे, इसमें भी आप A to Z जो भी रिक्वायरमेंट है आपके, अगर आप एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो A to Z सारा कुछ कर पाओगे। बहुत स्लिम लैपटॉप है, बहुत पतला लैपटॉप है एंड स्पेशली वेट इसका काफी ज्यादा इंप्रेसिव है, तो कोडिंग के लिए तो ऑब्वियस बात है एकदम मतलब क्या बोले मतलब आग लगा दिया भाई, इतना परफॉर्मेंस देगा, क्योंकि कोडिंग में आपका परफॉर्मेंस ज्यादा नीड है ही नहीं। एंड लास्ट में जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट वाली बात है, यहाँ पे वीडियो एडिटिंग प्लस फोटोशॉप हो गया, 3D रेंडरिंग हो गया या तो ब्लेंडर हो गया, अगर इन सभी चीज के लिए आप इस लैपटॉप को यूज करते हो तो इसमें भी आपको सारे कुछ हो पाएंगे, A to Z सब कुछ हो पाएंगे। आप आराम से Full HD वाले वीडियो आराम से एडिट कर पाओगे बिना कोई दिक्कत के, बिना कोई प्रॉब्लम के, तो इसमें आप लोग सारे कुछ कर पाओगे। लेकिन हाँ, इसमें आपको रैम अपग्रेड करना होगा। इसमें आपका प्री इंस्टॉल 8GB रैम आता है, इसमें आपको एटलीस्ट 16GB रैम करनी होगी। अगर आप 16GB रैम कर पाओगे, ब्लेंडर हो गया, फोटोशॉप हो गया, आफ्टर इफेक्ट हो गया, प्रीम प्रो हो गया, सब कुछ आप लोग इजिली आराम से यूज कर पाओगे। अगर आप इसमें 4K एडिटिंग करो, मैं इसमें 4K एडिटिंग भी करता हूँ, क्योंकि अभी जो आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हो ये 4K में देख रहे हो, लेकिन मैंने इसे मोबाइल से रिकॉर्ड करा है, तो मोबाइल से रिकॉर्ड करी वाली वीडियोस भी मैं इसमें 4K एडिटिंग कर पाता हूँ। लेकिन अगर आप लोग कैमरा से रिकॉर्ड करे हुए फुटेज जो कि 4K में हुए रिकॉर्ड स्पेशली 60 FPS में, वो भी आप इसमें एडिट कर पाओगे, लेकिन उसमें आपको प्रॉक्सी यूज करना पड़ेगा स्मूथ एडिटिंग के लिए। तो एडिटिंग फलाना ढमकाना जो भी करना चाहो आराम से कर पाओगे। लास्ट में मैं ज्यादा वीडियो को लंबा बिल्कुल भी नहीं करूंगा, एक कंक्लूजन मैं अपना सजेशन इस वीडियो में जरूर से ऐड करूंगा, क्योंकि ऑलरेडी जो पहले वाले रिव्यू सब थे उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस आ चुके हैं। अगर आपका बजट 55,000 के बीच है या तो उससे ज्यादा या तो फिर उससे कम है, कोई मैटर नहीं करता, 50,000 भी है, अगर आपका 55,000 का बजट है तो आप MSI का GF63 i5 का 11th जनरेशन RTX 3050 ये लैपटॉप आंख अनमोल के खरीद सकते हो, जो क्लियर कर बात है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कतई बवाल चीज है। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये, अगर Flipkart पे ऑफर चलता है और वहां पे आपको बहुत सारे ऑफर मिले, स्पेशली i7 का 11th जनरेशन RTX 3050 पे आपको अच्छा डील मिल रहा है, अगर वो under 60,000 भी मिल रहा है भाई, वो लैपटॉप खरीद लो। लास्ट में एक और लैपटॉप मैं बता दूं, जो Lenovo का IdeaPad Gaming 3 Ryzen 7 5800H RTX 3050, अगर वो लैपटॉप 65,000 के बीच में मिलता, अगर आप अपने बजट को वहां तक स्ट्रेच कर पाते हो तो वो लैपटॉप जरूर से लेना, अदरवाइज 55,000 तक का बजट है, कम से कम अगर एक 20 लैपटॉप चाहिए आकर उनके लैपटॉप उठा लो, बहुत खुश रहोगे। मुझे उम्मीद है ये छोटा सा वीडियो 2 साल के बाद जो मैंने एक्सपीरियंस करी सब कुछ आप लोगों को पसंद आएगा। अगर आपका कोई भी दिक्कत है, कोई भी प्रॉब्लम या तो फिर कोई भी क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, मैं जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, और हां सब्सक्राइब कर दो इसी टाइप के चुम्बेश्वरी वीडियोस देखने के लिए।